अभी शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम है उसका? नाम वो, सॉरी, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इक्यू पोटेंशियल सरफेस। नाम से क्लियर हो रहा है, इक्यू मतलब बराबर, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, एक ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या है, बराबर है ना। तो आप लिखेंगे एनी सरफेस ओवर विच, एनी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ऐसी सरफेस पर अगर कहीं भी किसी भी दो पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो बराबर आएगा। एक बार समझे नहीं समझे? ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहें, आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर आप कहीं भी पोटेंशियल निकालें, यार ऑब्वियस सी बात है आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, जेड क्यू बाई आर ही तो आना ना। अब इस आर डिस्टेंस को आपने एज्यूम करते हुए आपने एक सर्किल बना दिया, मान के चलिए, ठीक है, आपने क्या किया, एक सर्किल बना लिया लाइक दिस। तो अब अगर ध्यान से आप देखें तो आपके पास क्या है, आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट था वो हर पॉइंट एक सर्किल के पेरिफेरी पर लाई करेगा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर देन ऑल पॉइंट्स बिलोंग टू द पेरिफेरी ऑफ द सर्किल। क्या इतनी बात समझ में आती है? यानी कि इस सर्किल के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो आएगी जेड क्यू बाई आर, बिकॉज चार्ज क्यू है और डिस्टेंस आर है। तो ये जो सर्किल की जो सरफेस है, इस सरफेस का नाम इक्यू पोटेंशियल सरफेस हो गया, क्योंकि इस सरफेस पे कहीं भी है ना, सर्किल की पेरिफेरी पर कहीं भी आप पोटेंशियल को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो इक्वल आएगा, दिस इज नोन एज इक्यू पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इक्यू पोटेंशियल सर्फेस की। पहली प्रॉपर्टी, नो वर्क इज रिक्वायर्ड, नो वर्क इज रिक्वायर्ड इन मूविंग अ चार्ज, इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि कोई भी दो पॉइंट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर वन, ठीक है, पॉइंट नंबर टू, तो अगर आप पॉइंट नंबर वन पे पोटेंशियल निकालेंगे वो भी कितना आएगा, जेड क्यू बाई आर आएगा। पॉइंट नंबर टू पे पोटेंशियल निकालेंगे वो भी कितना आएगा, जेड क्यू बाई आर आएगा। और एज वी नो दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और हम अगर अपने चार्ज को वन से लेकर टू तक मूव करा रहे हैं तो डेल्टा वी इन टू में क्यू इज द रिक्वायर्ड वर्क डन। एंड डेल्टा वी मान लो आप वन से टू पे जा रहे थे तो वी वन माइनस वी टू इन टू में क्यू, क्योंकि दोनों जगह पोटेंशियल बराबर था तो रिक्वायर्ड वर्क डन कितना आएगा, हमारे पास जीरो आएगा, हमें वर्क डन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताइए वाली बात समझ में आती है आपको? दूसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर एवरीवेयर एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको भी आप समझ सकते हो कि अगर आप कहीं भी निकाल के देखें, यहाँ से एक लाइन खींचे ऐसे करके, है ना, ये आपके पता, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन डायरेक्शंस है, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से हमेशा अवे जा रही होती है, जा रही होती नहीं जा रही होती है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपकी राइट एंगल होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस की, ये वाली बात कह रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर थ्री,
equipotential surface never intersect each other. Two equipotential surface never intersect each other. कभी दो इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को काटेंगे नहीं. फोर्थ ये हो जाएगा कि जहां पर ये इक्विपोटेंशियल, जहां फील्ड लाइन क्या होती है, दूर दूर होती है, है ना, तो वहां पर क्या होता है, फील्ड वीक होती है, और जहां पर पास पास होती है तो वह स्ट्रांग होती है. ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेस की है इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, if two equipotential surface close each other, field are stronger and vice versa. ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर हैं एक दूसरे के, तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा. क्लियर है जी? ठीक है बच्चे, समझ में आए नहीं आए, देख लो जरा जो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज जो लिखाई हैं. तो आप फोर्थ पॉइंट को ऐसे समराइज कर सकते हो कि इसमें जैसे ये सारी की सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो ये क्लोजर है. अगर ये क्लोजर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, और यहां पर ये जो है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है आपस में वाइडर डिस्टेंस पर है, तो यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीकर है. तो उसने कहा इफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज टू ईच अदर, फील्ड आर स्ट्रांगर. पास पास होंगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसिस तो आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर स्ट्रॉन्गर होगी, और जब दूर होंगी तो वहां पर कमजोर होगी. ये कहना चाह रहा है. अभी समझ में आया? चलिए नेक्स्ट जो है टॉपिक है हमारा, वो है हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल और चार्ज एक्सेलरेटेड पार्टिकल. काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, है ना, एक पार्टिकल को हमने चार्ज किया और एक्सेलरेट किया है, एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, थ्रू पोटेंशियल, ऐसे समझ लो. तो अब इसमें क्या, बहुत ही सिंपल है. देखो आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल और आप उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, तो पहली बात, और उसमें सारे वो फॉर्मूले यूज होंगे जो अभी तक आप पढ़ के आए हो. As we know, F is equals to QE, and 11th class में पढ़ा था F is equals to MA, then MA is equals to QE, then A is equals to QE by M. यानी this is the acceleration of any charge particle when placed इन इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बात हजम होती है आपको, क्या जो लाइन मैंने लिखी है वो सही लिखी है? हाँ, हो गई भैया. ओके, फिर जब आपके पास एक चार्ज पार्टिकल था क्यू जो इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ था किसी फील्ड के अंदर, और जैसे ही आपने उसको एक्सेलरेशन दिया तो उसके पास वेलोसिटी आएगी, तो आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, याद करो. तो फाइनल वेलोसिटी वी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की जीरो हो गई, मल्टीप्लाइड बाय टू ए हो गया आपके पास एक्सेलरेशन जो था हमारे पास क्यू ई बाई एम, और एस हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. हियर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट जो चार्ज पार्टिकल ने कवर किया होगा. तो यहां से हमें वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी टू क्यू ई बाई एम में एक्स. तो समझ में नहीं आया? अब आप लिखेंगे एज वी नो काइनेटिक एनर्जी, हमें क्या निकाली थी काइनेटिक एनर्जी, तो निकाली थी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर.
एन हमें वी स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी, वी स्क्वायर की वैल्यू टू क्यू ई बाई एम इंटू में एक्स, देखो टू से टू कट गया, एम से एम कट गया, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू में ई इंटू में एक्स। बताओ यहां तक समझ में आया? सॉरी, टू टू से टू कट गया, एम से एम कट गया, क्यू ई एक्स, ठीक है। अब इस ई एक्स को, ई इंटू एक्स को, ये जो लिखा हुआ है इसको आप वी लिख सकते हो, के बराबर हो जाएगा क्यू वी। कैसे? सिंस अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी एक्स, और वी कैन रिटेन एज वी ओवर एक्स सिंस वी इज इक्वल टू ई एक्स। मैंने उस दिन बताया था आपको जब मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था कि नेगेटिव साइन ओनली सिग्निफाइज दैट ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस पोटेंशियल गोज टू डिक्रीज, तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, मैंने माइनस साइन को यहाँ पर स्किप कर दिया, और द वैल्यू ऑफ ई इंटू एक्स रिटन कैन बी वी। के इक्वल टू क्या आ गया फॉर्मूला निकल के भाई, क्यू वी, ठीक है। ये रिलेशन स्टेबलाइज करना, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, क्यू इंटू वी के बराबर होता है। देख लो जरा,